दोस्तों कुछ दिनों से आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है व्हाट्सएप के बारे में। बहुत से लोग उसको अच्छा भी कह रहे हैं, बहुत से लोग बुरा भी कह रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल वीडियो चैट से, या मान लीजिए आपका जो वॉइस चैट है, वीडियो चैट है, आपके कुछ पर्सनल फोटोज हैं, वो गूगल के साथ शेयर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा जो उठाया गया है बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है, और बहुत से लोग इस पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि नहीं यार, ये मात्र एक अफवाह है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक, जैसा कि आप जानते हो कि व्हाट्सएप, फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को खरीद के रखा है और ये उसी का प्रोडक्ट बन चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यार किसी भी एप्लीकेशन को बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको सिक्योरिटी देना है बड़ी बात हो जाती है। तो इसके कारण होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपको कोई पर्सनल, दोस्तों जैसे कि आप जुड़ना चाहते हो किसी फनी ग्रुप से, या आप जुड़ना चाहते हो कोई मोटिवेशनल ग्रुप से, तो आपको इजीली लिंक्स मिल जाती हैं गूगल क्रोम पर, जो कि व्हाट्सअप की लिंक होती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारी की सारी पब्लिकली इसलिए होती हैं क्योंकि आप लोग जब भी ग्रुप बनाते हो तो वो प्राइवेट ना करके पब्लिक बना देते हो। लेकिन जैसे ही जनता का आक्रोश उसमें देखा, जैसे ही लोगों ने कहा कि नहीं यार ये मतलब जो है हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो उसने क्या कर दिया, व्हाट्सअप ने वो भी सारा का सारा क्या किया, अधिकतर जो प्राइवेट डेटा उसमें होता है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दोस्तों इसका मेन कारण क्या होता है, क्या जनता के लिए मतलब इसमें फायदा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली व्हाट्सएप कंपनी ने अपना खुद का स्टेटस डाला हुआ था, जो कि करोड़ों यूजर्स ने अभी देखा हुआ है और मैंने भी देखा है। जैसे कि चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने स्क्रीनशॉट पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं व्हाट्सएप करके दोस्तों एक आप स्टेटस देख पा रहे होंगे। तो ये पर्सनल दोस्तों मैं अपने ही मोबाइल का दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख पा रहे हैं व्हाट्सअप का, आप यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, ठीक है ना, ये व्हाट्सअप का ही है। अब यहाँ पे इसमें कि पहला दोस्तों व्हाट्सअप क्या, पहला स्टेटस क्या कह रहा है व्हाट्सअप का, वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी। मतलब ये कि दोस्तों हम आपकी प्राइवेसी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्राइवेसी के साथ क्या है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, यानी कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी सिक्योरिटी भी है, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा स्टेटस क्या था व्हाट्सअप का, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। दूसरा स्टेटस दोस्तों ये कह रहा था कि व्हाट्सअप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्सेशन एज दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्ट। दोस्तों वो बताना चाह रहा है कि यार व्हाट्सअप का कोई भी एम्प्लॉय, यानी व्हाट्सअप जो हैंडल करते हैं, वो आपकी कोई भी पर्सनल चैट या पर्सनल वॉइस कॉल नहीं सुन सकता है, और ना ही आपके और दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो किसी प्रकार से एनक्रिप्ट हो सकती है और जाके बाहर या कोई और इसको सुन सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या बता रहा है कि व्हाट्सअप कांट सी योर शेयर्ड लोकेशन, और ना ही व्हाट्सअप आपकी कोई भी लोकेशन देख सकता है कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस जगह हो और कहाँ से बातचीत कर रहे हो। इससे व्हाट्सएप को कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरीके से दोस्तों क्या है, प्राइवेटली क्लोज्ड है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप ने किसी भी प्रकार से दोस्तों ये पूरी तरीके से लीगल तरीके से चला रहा है व्हाट्सएप, कोई भी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो ग्लिच से, हाँ दोस्तों ग्लिच आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कंपनी हो सोशल मीडिया की, वो ग्लिच देती है थोड़ा बहुत, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। व्हाट्सएप पूरी तरीके से सिक्योर, सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप को अधिकतर लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल एप्लीकेशन माना गया है। मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, लेकिन व्हाट्सएप अधिकतर ही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अब पूरी तरीके से आपका मोबाइल नंबर से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। यार मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के छोटे छोटे टेक्निकल वीडियो दोस्तों लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।